हेलो टू ऑल एंड वेलकम टू फैबुलस एजुकेशन। दोस्तों, जैसा हमने कल डिस्कस किया था कि हम आपको एडवांस लेवल से स्टार्ट करेंगे, कुछ टॉपिक एडवांस के डिस्कस करेंगे और उसी को आगे चलते जाएंगे। तो इसी चीज़ को आगे बढ़ाते हुए चलिए हम अपना टॉपिक आज का ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक बिल्कुल बेसिक होगा, शुरू से शुरुआत करेंगे और अंत तक जाएंगे सारे वीडियो में। 24-25 वीडियो का लेक्चर्स होगा ये करीब, उसमें कवर हो जाएगा। तो हम अपने इसकी शुरुआत करते हैं। दोस्तों देखिए, ट्रिग्नोमेट्री समझने के लिए सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि हम यहाँ पे मेनली ट्रायंगल्स की बात करते हैं और आगे बहुत ऊपर जाके देखेंगे कि हम ट्रायंगल्स डिफरेंट तरह के हो सकते हैं, लेकिन मेनली जिस ट्रायंगल की बात की जाती है वो यहाँ पे होता है राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल मतलब दोस्तों उसकी कोई एक साइड 90 डिग्री होनी चाहिए। जैसे मैंने इसको मान लिया 90 डिग्री, इस तरह से हम 90 डिग्री को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये साइड हो गई हमारी ए, ये हो गई बी साइड एंगल। तो ये 90 डिग्री मैंने रिप्रेजेंट कर दिया। अब जो भी 90 डिग्री के सामने जो एंगल होता है, सॉरी जो साइड होती है, उसको हम कहते हैं हाइपोटेनस। ठीक है, और जिस भी एंगल से हम देख रहे हैं, मान लीजिए हम सी एंगल से देखते हैं, यहाँ पे कोई एंगल है जिसको हम कहते हैं थीटा। तो जिस भी एंगल से देखिए, इस कॉन्सेप्ट को आराम समझिएगा, आप जिस भी एंगल से देख रहे हैं वो एंगल जिस साइड से लगा होगा, एक तो 90 डिग्री जो लगा होगा वो इन दोनों के साइड से लगा होगा, लेकिन ये एंगल थीटा इसके सामने वाली जो साइड होगी वो उसकी परपेंडिकुलर होती है, और जो परपेंडिकुलर हुई वही हमारा ये आपका परपेंडिकुलर साइड हो जाता है। पी से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ मैं इसको। और इसका बेस क्या होगा इस एंगल के लिए दोस्तों, बेस क्या होगा इस एंगल के लिए, बेस बन जाता है ये वाली साइड बी सी। तो आप समझिए, ये बी और परपेंडिकुलर डिपेंड करता है कि आपने एंगल कौन सा रखा है। अगर मैंने इसकी जगह एंगल, मान लीजिए यहाँ कोई एंगल होता, इसको मैं एंगल फाई मान लेता हूँ एक्सपर्ट के लिए, तो इस फाई के लिए जो परपेंडिकुलर होगा वो बन जाएगा ये, और इस फाई के लिए जो बेस होगा वो बन जाएगा ये। इतना आपको समझ में आ गया होगा। एक साथ में एक और चीज़ समझ लीजिए, हालांकि वो हम ज्योमेट्री जब पढ़ेंगे तो उसके हाई थ्योरम जो पाइथागोरस थ्योरम है उसमें है, लेकिन एक बात आप ये समझिए, हाइपोटेनस को एच से दिखाता हूँ मैं, या फिर स्मॉल एच भी कर सकते हैं हम। वो बात ये है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर आपके बेस के स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर के बराबर होता है। ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, इसको हम समझेंगे कैसे आगे आता है, वो ज्योमेट्री का पार्ट है। पर अभी आप इस चीज़ को समझ लीजिए, आप ये समझ गए होंगे थीटा के एंगल पी और यहाँ पे भी फाई का अगर हो तो यहाँ पे ये बन जाएगा इसका परपेंडिकुलर इसके लिए, और ये बन जाएगा इसके लिए बेस इसके लिए। चलिए अब हम चीज़ों को आगे बढ़ाते हैं और हम समझते हैं कि ये जो साइन एंगल इनकी बात की जाती है वो क्या होता है। देखिए दोस्तों, क्या होता है ट्रायंगल्स की ना एक ख़ास बात ये होती है, भले ही आपका ट्रायंगल मान लीजिए ये है, ये 5 है, ये 3 है, ये 4 है साइड, जस्ट मान लीजिए, या फिर आपका यही साइड है ना, अगर आपका मान लीजिए ये 5 है, 4 है, 3 है, हम इसमें हमेशा कहते हैं साइन थीटा, कॉस थीटा है ना, टेन थीटा, ये सब मायने क्या होते हैं। देखिए ट्रायंगल की खास बात होती है कि ये छोटा ट्रायंगल है और इसी के बराबर एक बड़ा ट्रायंगल है। ठीक है, अब अगर ये एंगल और इसका ये एंगल ये दोनों बराबर हैं तो इनके जितने भी रेशोज़ होंगे वो सारे बराबर होंगे,
और उन्हीं रेशोज को हम बदलते हैं, उनका नाम दे रखा होता है हमने, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। मतलब अगर ये ट्रायंगल हो, ये एंगल बराबर हो, अगर ये भी थीटा है, ये भी थीटा है, और इस थीटा को छोड़िए, आप इसको मान लीजिए 30 डिग्री है, ये भी 30 डिग्री है, तो इसका जो साइन की वैल्यू होगी और इसके साइन की वैल्यू बिल्कुल बराबर होगी। मतलब भले ही ये पी हो, ये पी डैश हो, ये बी हो, ये बी डैश हो। इसीलिए हम क्या करते हैं कि इन टर्म्स ऑफ साइन थीटा कॉस थीटा जो रेशोज़ हैं उसमें हम सब चीज़ों को डिफाइन करते हैं। तो चलिए एक बार हम डिफाइन कर लेते हैं कि हम ये साइन थीटा कॉस थीटा होता क्या है। सिंपल ट्रायंगल बनाएंगे, ये हमारा बी, ये हमारा ए, ये हमारा सी, इसको ले लेते हैं हम एंगल थीटा। ठीक है दोस्तों, अब ये थीटा है, ये हमारा 90 डिग्री, ये हमारा हाइपोटेनस हो गया, ये हमारा परपेंडिकुलर हो गया, ये हमारा बेस हो गया। अब हम सारे एंगल डिफाइन करते हैं। देखिए साइन जो थीटा होता है उसको हमेशा याद करिए, ये होता है पी बाय एच, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। कॉस थीटा जो होता है वो होता है आपका बी बाय हाइपोटेनस, और जो टेन थीटा होता है दोस्तों वो एक्चुअली में क्या होता है, वो आपका होता है साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। अच्छा अब साइन थीटा क्या था, साइन थीटा हमारा था पी बाय एच, और कॉस थीटा क्या था अपना बी बाय एच। ये ऊपर चला जाएगा नीचे आएगा तो ये क्या बन जाएगा, पी बाय एच इंटू में ये होगा ऊपर अपॉन में बी, एच से एच कट गया, इज इक्वल टू पी बाय बी। तो हमारा टेन थीटा की वैल्यू आ गई पी बाय बी। अब इनके एक दूसरे एंगल होते हैं, वो होता है कॉसेक थीटा, ये होता है वन अपॉन साइन थीटा। आप साइन का बिल्कुल अपोजिट कीजिए, कॉसेक बन जाएगा, इज इक्वल टू एच बाय पी। ऐसे ही आपका कॉस का अपोजिट होता है सेक थीटा, वन अपॉन कॉस थीटा, मतलब कॉस थीटा का उल्टा कर दीजिए, ये हो गया आपका एच बाय बी। फिर आता है आपका टेन थीटा, और टेन थीटा क्या होता है, सॉरी फिर आता है आपका कॉट थीटा, और कॉट थीटा होता है वन अपॉन टेन थीटा, और टेन थीटा पी बाय बी, तो बी बाय पी। अब आपने स्कूल में टेंथ में सब में याद किया होगा, इसको ऐसे डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं कुछ, ना साइन थीटा कॉस थीटा, ऐसे नहीं, हम इसको करते हैं साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा, तो ये होगा आपका पी बाय एच, ये हो गया बी बाय एच, और ये हो गया आपका पी बाय पी। इसको आपने टेंथ क्लास में, नाइन्थ क्लास में स्कूलों में याद किया था, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, या फिर मैं तो इस तरह से करता था, पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा, जिस मर्जी से याद कर लीजिए। लेकिन आप इतना कोशिश कीजिएगा कि आपको बार बार ये चीज़ें करनी ना पड़े, एक बार में याद हो जाए, और बिल्कुल इनका अपोजिट आपका बन जाएगा सेक थीटा कोसेक थीटा, साइन का अपोजिट एच बाय बी, इसका अपोजिट सेक थीटा, और इसका अपोजिट कॉट थीटा। चलिए अब आप इसको ये याद रखिए, हमने क्या सीखा अभी कि वो इसके अपोजिट होते हैं, तो दूसरा फॉर्मूला जो एक तरह से बन सकता है, देखिए अगर हमारा साइन थीटा है वन अपॉन कॉसेक थीटा,
यही होता है ना इसके अपोजिट। इस वाले टर्म को हम यहाँ पे लेके जाएं तो साइन थीटा मल्टीप्लाई बाय कोसेक थीटा वो हो जाएगा वन। सेम लॉजिक आप सेक थीटा कोसेक भी लगा सकते हैं, तो कॉस थीटा इंटू में सेक थीटा इज इक्वल टू वन। और सेम वे में टेन थीटा इंटू में कॉट थीटा इज इक्वल टू वन। आप इनको अपने जो हमने फॉर्मूले बनाए थे जो रेशोस थे उससे भी डिफाइन कर सकते हैं। कैसे देखिए इसको चेक करते हैं। साइन थीटा क्या है? पी बाय एच। कोसेक थीटा क्या है? एच बाय पी। कट क्या वन। सेम चीज आप इस पर भी ट्राई कीजिए। कॉस थीटा है आपका बी बाय एच, कोसेक थीटा है आपका एच बाय बी वन। यही सेम आपका चीजें आ जाएंगी। अब इस एंगल से एक देखिए क्या होता है कि कुछ टर्म डिफाइंड होते हैं। जैसे हम बार बार थीटा की वैल्यू कुछ होगी 10 डिग्री 15 डिग्री 20 डिग्री, तो क्या होता है कि हमने एक स्टैंडर्डाइज टेबल बना के रखा होता है। जीधे जैसे हमें थीटा पता होता है ये रेशो हम उसी से डिफाइन करते हैं और हमारा आंसर निकल आता है। तो हम जैसे मान के चलते हैं उस टेबल को देखिए। आपने स्कूलों में रटे होंगे इस तरह के से, वो तरीके मैं आपको बता दूंगा रटने के, लेकिन आप याद सोचिएगा कि इस तरह से आप इतना यूज़ कर लें उसको कि आपको सोचना ना पड़े, वो सीधे मतलब मुंह पे आते दिमाग में आते सीधे उसकी वैल्यू डिफाइन हो जाए। तो पहले तो हम देख लेते हैं, एक देखते हैं हम 0 डिग्री पे, फिर 30 डिग्री पे, फिर 45 डिग्री पे, फिर 60 डिग्री पे और 90 डिग्री पे। इस तरह से सबसे पहले हम देखेंगे साइन थीटा, फिर कॉस थीटा, फिर टेन थीटा और इन्हीं के नीचे वाले कोसेक थीटा, सेक थीटा और आपका कॉट थीटा। चलिए साइन जीरो की वैल्यू होती है दोस्तों जीरो, इसकी वन बाय टू, वन बाय रूट टू, रूट थ्री बाय टू और साइन 90 की वन। मतलब आपसे कुछ कोई पूछे थीटा की वैल्यू है ये, साइन जीरो जीरो, साइन 30 डिग्री हाफ, साइन 45 डिग्री वन बाय रूट टू, साइन 60 डिग्री रूट थ्री बाय टू और वो। इसको देखिए याद करने का एक तरीका मतलब हो सकता है, पर आप हमेशा इसको सोचिएगा कि कंटिन्यूसली आपको याद रहे, वो ये है कि ये ज़ीरो है, मतलब शॉर्ट फॉर्म में हम ये कह सकते हैं कि आप इसको साइन के फॉर्म में रखते हैं ज़ीरो वन टू थ्री फोर और इन सबको फोर से डिवाइड कर दीजिए। ये फोर 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 और फोर। अब इसका अंडर रूट ले लीजिए, अंडर रूट अंडर रूट। आप देखिएगा यही वैल्यू आती है ज़ीरो बटे ज़ीरो ज़ीरो, वन बाय फोर का वो वन बाय रूट वन बाय टू, ये टू से टू कट जाएगा वन बाय रूट टू, वन बाय रूट टू, रूट थ्री बाय टू वन। इस तरह से हम कर सकते हैं, पर आप कोशिश कीजिएगा आपको पूरा याद हो। देखिए कॉस थीटा अगर आपको याद करना हो तो बिल्कुल साइन का अपोजिट आप कर देंगे तो कॉस थीटा आ जाता है। जैसे साइन 91 है तो आपका कॉस ज़ीरो वन होगा, यहाँ पे रूट थ्री बाय टू होगा, ये वन बाय रूट टू ही होगा और ये आपका वन बाय टू और ये ज़ीरो, ये हमारा कॉस का बन गया, ये साइन का। टेन इन दोनों का रेशियो होता है, तो टेन काफ़ी आसान होता है, ज़ीरो ज़ीरो वन बाय रूट थ्री ये होगा वन आपका रूट थ्री और ये देखो वन अपॉन में ज़ीरो
एक को जीरो से डिफाइन करना है, मतलब कुछ यूं बताना है कि जीरो को कितनी बार मल्टीप्लाई की जाए कि वन आ जाए, ऐसा कभी नहीं हो सकता है ना, पॉसिबल नहीं, शायद इनफाइनाइट कोई टर्म होगा जिसको आप डिफाइन नहीं कर सकते, वही होगा। तो इसीलिए हम इसको कह देते हैं इन्फिनिटी या फिर अनडिफाइंड। ठीक है दोस्तों, अब कॉसेक की बात करते हैं। कॉसेक साइन का अपोजिट होता है, तो अपोजिट होगा तो वन अपॉन जीरो हो जाएगा, क्योंकि जीरो के नीचे क्या है, सबके नीचे वन है, तो कॉसेक इसका अपोजिट हो गया, वन अपॉन जीरो, ये हो गया आपका इन्फिनिटी, फिर ये हो गया आपका कॉसेक थीटा, साइन का बिल्कुल अपोजिट, वन बाय टू का अपोजिट टू, इसका आज का आ जाएगा रूट टू, इसका टू बाय रूट थ्री, और इसका वन। अब बात करते हैं हम सेक की। सेक होता है आपका कॉस का अपोजिट, वन का उल्टा वन, रूट थ्री बाय का उल्टा टू बाय रूट थ्री, इसका उल्टा रूट टू, और सॉरी ये जाएगा आपका टू, और ये देखिए क्या है, हमारा जो कॉसेक है वो एंड में आता है ज़ीरो, इसका अपोजिट भी आपका आ जाएगा इन्फिनिटी। ठीक है, अगर आप देखना चाहें तो ये भी है कि कॉसेक जो है यहाँ से चालू होके इसका बिल्कुल सेक का, जैसे साइन था वो आपका कॉस का बिल्कुल उल्टा चल रहा था, मतलब ज़ीरो से वन है तो यहाँ वन से ज़ीरो है, सेम उतनी तरह से कॉसेक भी इन्फिनिटी से लेके वन है तो सेक आपका वन से लेके इन्फिनिटी है। इस तरह से आप चीज़ों को याद कर सकते हैं। और कॉट आपका टेन का उल्टा, तो उसका टेन जो था आपने देखा शुरू में ज़ीरो है, तो यहाँ पे वन अपॉन ज़ीरो पहले इन्फिनिटी हो जाएगा, फिर रूट थ्री, फिर वन, वन बाय रूट थ्री, और ये आपका टेन ज़ीरो इन्फिनिटी। ये आपका आ जाएगा ज़ीरो, ये है ना टेन, इन्फिनिटी का उल्टा ज़ीरो। तो ये बनता है हमारा टेबल, आप इसको ठीक से अपनी कॉपी बनाइएगा और ठीक से इसको याद कर लीजिएगा, क्योंकि एसएससी में ना और किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम डायरेक्ट कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं, वो सीधे आपसे बोल देगा कि कॉसेक 30 मल्टीप्लाई बाय साइन 60, इसकी वैल्यू बताइए, तो आप कॉसेक 30 की वैल्यू पुट कर देंगे, साइन 60 की वैल्यू पुट कर देंगे, जो भी आंसर आए उसको लिख देंगे। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब जब हम ज़रा आपने ये टेबल बना लिया तो दो तरह के सिस्टम होते हैं, उन दो तरह के सिस्टम को समझ लेते हैं। एक तो क्या होता है आपका ट्रिग्नोमेट्री में, दो तरह के सिस्टम होते हैं, एक तो क्या डिग्री में चीज़ों को नापते हैं और दूसरा आपका नापते हैं हम रेडियन में। देखिए डिग्री तो हम अभी तक स्कूलों में पढ़ते आए हैं, उसमें साफ चीज़ दी हुई होती है, वो ये होती है कि आपका जो पूरा सर्कल होता है या पूरा वो होता है 360 डिग्री में बटा होता है, और फिर उसको फिर हम ये कहते हैं कि एक डिग्री के अंदर आपके 60 मिनट्स होते हैं और एक मिनट के अंदर आपका 60 सेकंड्स होते हैं। हम सिंपल जाते हैं, थोड़ा रेडियन जो तरीका है नापने का इसको समझना ज़रूरी है, क्योंकि ये थोड़ा आपको नया लगता है, जब पाई के कॉन्सेप्ट आते हैं तो हम लोग जो है थोड़ा सा इसमें हिचकिचा जाते हैं। तो आपको यही देखना है कि रेडियन जो माप है वो कैसे चलेगा। चलिए रेडियन को समझते हैं। देखिए रेडियन कुछ नहीं है एक्चुअली, क्या होता है ये भी एक तरह का रेशो होता है। वो रेशो चलता कैसे है कि हम कोई भी
सर्कल होता है, बना नहीं ठीक से, ये सर्कल है उसका रेडियस है ये, लेकिन एक कोई ना कोई लेंथ ले लेते हैं, मान लीजिए इसका ये लेंथ लेते हैं ये थीटा। इसको अलग तोड़ के मैं आपको समझाने के लिए बड़ा दिखा रहा हूँ इस वाले पार्ट को बस। ये आपका है रेडियस, ये भी रेडियस आर आर, ये एंगल हो गया थीटा। अब ये जो पेरीमीटर का पार्ट है ना आपका, ये इसको कहते हैं यहाँ से यहाँ तक, मान लीजिए लेंथ है इसका एल। अब आर और एल का जो रेशो होता है वही थीटा होता है, मतलब थीटा इज इक्वल टू आपका एल अपॉन में आर। हमने देखा इसको, हम अगर सेमी सर्कल में देखें, आपको ये तो पता होगा कि जो एक सर्कल होता है इसका रेडियस आर है, तो इसका जो पेरीमीटर है पूरा, सर्कमफेरेंस बोलते हैं सर्कल का, सर्कमफेरेंस जो है तो वो होता है 2πr, मतलब आप कहीं से शुरू होगी पूरा घूम के आइए तो आपकी लेंथ है 2πr। तो अगर हम थीटा को देखें तो हम ये समझ सकते हैं, अगर ये थीटा पूरा बड़ा होता मतलब पूरा घूम के आया होता तो ये लेंथ कितनी बनती है आपकी 2πr, है ना। मतलब ये सर्कल है, हमने यहाँ शुरू किया, यहाँ से घूम के आ गए, तो ये आपकी लेंथ होगी 2πr, और एंगल क्या होगा, एंगल पूरा घूम गया है ना, तो वो होगा थीटा। अब इस थीटा की बात करते हैं, ये थीटा हमें निकालना है, ये हमें पता है 2πr, पूरे लेंथ की बात करूँ सर्कमफेरेंस की, ये हो गया आपका r, r से r कट गया, ये बन गया आपका 2π, मतलब थीटा की वैल्यू है 2π। अच्छा हम एक और चीज़ जानते हैं, ये तो हो गया फुल सर्कल, अगर यही सेमी सर्कल होता तो ये आपका सेंटर, ये आपका रेडियस, ये सेमी सर्कल। अब हमें ये पता है ये एंगल एक होता है 180 डिग्री। चलिए सेम चीज़ अप्लाई करते हैं, थीटा इज इक्वल टू एल बाय आर, ये एल क्या है, ये लेंथ ऑफ आर्क है ना, जो भी यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ है उसको कहते हैं हम लेंथ ऑफ आर्क। और यहाँ पे हमें पता है पूरे सर्कल का 2πr था, आधे सर्कल का πr, तो थीटा इज इक्वल टू पाई आर अपॉन में आर, आर से आर कट गया, ये हो गया पाई। अच्छा हम एक और चीज़ जानते हैं, ये पाई 180 डिग्री के बराबर है, रेडियन में तो ये था, अगर डिग्री में देखा जाए इसी को तो वो 180 डिग्री के बराबर है। इसका मतलब हमारा पाई रेडियन 180 डिग्री के बराबर होता है। देखिए दोस्तों मैंने यहाँ पे ना पाई के ऊपर छोटा सा एक सी दिया है, सी का मतलब होता है, सी का मतलब होता है कि ये मैं इसको रेडियन में नाप रहा हूँ और यहाँ डिग्री है, इसका मतलब डिग्री, मतलब दोनों इक्वल होते हैं, पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। आप इस फॉर्मूले को ज़रूर याद रखिएगा क्योंकि आपके जितने कन्वर्जन होंगे सारे इसी से होंगे। अच्छा एक और चीज़, अगर पाई रेडियन 180 डिग्री होता है तो एक रेडियन कितना होगा, 180 डिवाइड बाय पाई, ठीक है दोस्तों। अब हमको ये भी पता है कि एक डिग्री में 60 मिनट होते हैं और एक मिनट में 60 सेकंड होते हैं, डिग्री का मेज़र, इसको भी आप याद रखिए, एक तो ये और ये, आपको नोट करना हो तो आप वीडियो पॉज करके नोट कर सकते हैं। चलिए अब हम ये समझेंगे कि ये जो है ना इसकी वैल्यू आती क्या है। समझने के बाद क्या एक दो क्वेश्चन भी कर लेंगे कि हम कैसे पाई को उसमें कन्वर्ट करें, कैसे रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट किया जाए, ऐसे कुछ क्वेश्चंस आए हुए भी हैं तो उन क्वेश्चनों को हम देखेंगे।
तो देखने से पहले हाँ पहले हम उसको कन्वर्ट कर लिया जाए। देखिए हमने क्या निकाला था कि एक रेडियन इज इक्वल टू 180 अपॉन में पाई होता है। पाई की वैल्यू हम सब जानते हैं, पाई की वैल्यू होती है 22 अपॉन में 7। तो हमारा 1 रेडियन हो गया, यहाँ से ले रहा हूँ मैं, पाई की वैल्यू पुट कर रहा हूँ एक्चुअली 180 अपॉन में 22 और अपॉन में 7, ये 7 ऊपर चला जाएगा तो 180 इंटू 7 अपॉन 22, ये कट गया 2 से, ये कट गया 90 से। आप इतना नोट कर लीजिए, मैं मिटा देता हूँ। इसके आगे भी लिखिए 9 7 63, 630 अपॉन में 11। अब इस ये याद रखिएगा 1C इज इक्वल टू 630 अपॉन 11 आ गया। देखिए ये जो अभी आएगा रिजल्ट, ये रिजल्ट कई बार SSC और बाकी जो कोचिंग सॉरी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है CTET VTET इन सब का CPU डायरेक्टली वैल्यू पूछ लेंगे आपसे, तो आपको इसलिए वैल्यू याद कर लीजिएगा तो ज़्यादा सही रहेगा, नहीं तो आप फाइंड करने लगेंगे तो आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा। चलिए हम इसकी वैल्यू ऐड करते हैं, सिंपल सा है, 630 को 11 से डिवाइड करके देखते हैं, जो आएगा वो बन जाएगा 5 55, 8 आया, 0 उतरेगा यहाँ से, 7 77, 3 बच गया। अब ये जो 3 बच गया ये डिवाइड हो नहीं सकता, इसका मतलब हमारा यहाँ से 57 डिग्री तो हो गया, 57 डिग्री तो यहाँ से निकल गया। अब 3 डिवाइड नहीं होगा, लेकिन हमें पता है 3 डिग्री है, इस डिग्री को हम कन्वर्ट कर लेंगे मिनट में, तो एक डिग्री में 60 मिनट होते हैं, 3 डिग्री में 180 मिनट, ठीक है, एक में 60, 3 में 180। चलिए तो अब हम इस 180 को, फिर ये 11 बचा हुआ है हमारा, इसे डिवाइड करेंगे, 1 11 70 6 66, ये आ गया आपका 4, यहाँ पे रुक गया, तो यहाँ से हमें मिल गया 16 मिनट। अब ये 4 मिनट है, इसको हम सेकंड में कन्वर्ट कर लेते हैं, सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे तो और आगे बढ़ जाएगा, एक मिनट में 60 सेकेंड तो 4 मिनट में 240 सेकेंड। टू जा 22, 0 वन जा 9, यहाँ से हमारा आ गया 21 सेकेंड। इसका मतलब हम नेट रिजल्ट ये बता सकते हैं कि 1 रेडियन की वैल्यू होती है हमारा 57 डिग्री 16 मिनट एंड 21 सेकेंड्स। ठीक है दोस्तों, ये है। अब हम एक सवाल करके देख लेते हैं, उससे आपको ज़्यादा आसानी आ जाएगी। सवाल ये है, कन्वर्ट 3π/4 रेडियन इंटू डिग्री। ठीक है, 3π/4 रेडियन को हमें डिग्री में बदलना है। अब हम जानते हैं सिंपल सा कहानी, एक हमें बदलना है 3π/4, हमें मालूम है पाई की वैल्यू कितनी होती है 180 डिग्री, इसका मतलब
थ्री बाई फोर इंटू में 180 डिग्री, फोर से कटेगा 45, थ्री इंटू 45 135 डिग्री, इसका मतलब 3π/4 आपका 135 होता है। अच्छा वैसे ही आप कन्वर्ट करना चाहें π/2 का कन्वर्जन आप करके देखिए, खुद करके देखिए, 90 डिग्री आ जाएगा, π/4 का 45 डिग्री आ जाएगा। इस तरह से आप चीज़ों को कन्वर्ट कीजिए। अब हम थोड़ा उल्टा अपोजिट करके देखें, है ना, अब हम डिग्री को पाई में कन्वर्ट करते हैं, रेडियन में। मान लीजिए हमें कन्वर्ट करना है 40 डिग्री को रेडियन में। आप कोशिश कीजिए, मैं तो कर रहा हूँ, आप वीडियो को पॉज कीजिए और खुद ट्राई कीजिए कि 40 डिग्री रेडियन में कन्वर्ट होगा तो कैसे होगा। चलिए अब हम जानते हैं कि हमारा, मैंने कहा था ना आपको, हमेशा वो याद रखिएगा, 180 डिग्री आपका पाई रेडियन होता है, या फिर एक डिग्री क्या होगा, फिर पाई अपॉन में 180। अब एक डिग्री की वैल्यू है पाई अपॉन 180 रेडियन, तो हमारी 40 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, 40 डिग्री की वैल्यू होगी पाई अपॉन में 180 इंटू में 40, जीरो से ज़ीरो कट जाएगा, ये कटेगा 2 और ये कटेगा 9, इसका मतलब 2π/9। इस तरह से करना है। आप क्या करें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखें और जो भी पाई कन्वर्जन, सॉरी रेडियन कन्वर्जन डिग्री में है और डिग्री कन्वर्जन रेडियन में है, उसकी आप प्रैक्टिस कर लीजिए। हम अगले अपने क्लास में कुछ और ऐसे ही क्वेश्चंस के साथ मिलेंगे और कुछ और क्वेश्चन करेंगे। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट एंड गुड बाय।